हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बढ़िया से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि बच्चों, हमने कल कब स्टार्ट किया था? कल हमने स्टार्ट किया था एमसीक्यू सीरीज ऑन द ओलंपिक्स गेम्स। ठीक है, तो ओलंपिक्स गेम्स पर अगर हम देखेंगे, अभी तक हमने यहाँ पर देखा था कि किस प्रकार से ओलंपिक्स गेम्स के एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स से पूछे जाते हैं, उस वाले पार्ट्स को हम यहाँ पर कवर कर रहे थे। सो वेलकम टू द एकेडमी, लेट्स क्रैक इट। आज मैं इसका बेटा सेकंड लेक्चर कवर करूंगा। एक्चुअली ड्यू टू द सम टेक्निकल इशू कल हम लेक्चर हमारा बहुत इफेक्टिवली नहीं हो पाया, तो उसको भी हमें यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा बच्चों। ठीक है, सो वेलकम टू द एकेडमी, लेट्स क्रैक इट, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, ऑडियो और वीडियो क्लियर है बच्चों? जो भी बच्चे ऑनलाइन है बताइए मुझे पहले, ऑडियो और वीडियो क्लियर है बेटा मेरा? कोई इशू? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली डियर तन्मय? वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। वॉइस क्लियर है बच्चे? और स्टिल फेसिंग सम इशू? ओके ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। चल, सो वेलकम टू द अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। एंड आई एम कृष्णपाल सिंह, एन एजुकेटर फॉर गेट एंड ईएससी। आई हैव मोर देन 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द गेट एंड ईएससी। आई हैव आल्सो क्वालिफाइड वेरियस पीएससी एग्जाम्स लाइक बार्क, एनटीपीसी, यूपीआरबीयूएल, एमपीपीजी शेयर एंड सम अदर। एंड आई वर्क एज अ फ्रीलांसर फैकल्टी इन द वेरियस रेपुटेड इंस्टीट्यूट अक्रॉस द इंडिया। एंड आई मेंटर मोर देन 10,000 स्टूडेंट ड्यूरिंग दिस 4 ईयर टीचिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलता है स्पेशल क्लास जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसको अनलॉक करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड KPSYT यूज करिए, यूज दिस कोड एंड एनरोल इन द स्पेशल क्लास। एज बच्चों, प्लस की क्लासेस भी आपको अकेडमी लर्निंग ऐप पर मिलती है एंड आइकोनिक की क्लासेस भी आपको अकेडमी लर्निंग ऐप पर मिलती है। एज बच्चों, हमारी यूट्यूब क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कि हमारे चैनल लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग पर कंडक्ट की जा रही है बच्चों। तो स्पेशल क्लास और यूट्यूब चैनल पर क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जबकि प्लस और आइकन पर हमारी पेड क्लासेस बच्चों। तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन दिस। एज बच्चों, अनअकैडमी पर आपको देखें तो आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, सभी कोर्सेज हमारे स्ट्रक्चर्ड वे में, अनलिमिटेड एसेस। दिस ऑल आर द बेसिक फीचर्स अवेलेबल ऑन द अनअकैडमी। एंड बच्चों, इंडिया टॉप मोस्ट एडुकेटर्स आपको यहां पर सीखने का मौका मिलता है फ्रॉम द डिफरेंट स्ट्रीम्स, सभी स्ट्रीम्स की जो टॉप मोस्ट फैकल्टीज है उनसे आपको यहां पर सीखने का मौका। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा प्रदीप, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है, अपनी स्ट्रीम की जो टॉप मोस्ट, सभी जो टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं। एंड बच्चों, अगर हम बात करते हैं अनअकैडमी पर, बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं, प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस पर आपको लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, ये सब आपको यहाँ पर मिलता है ऑन द प्लस। वाई लैंग्वेज, यहाँ पर लैंग्वेज में बच्चों आपको रैंक इंप्रूवमेंट बैच, दिस ऑल फीचर्स यू विल गेट ऑन द प्लस। ऑन द आइकॉनिक बेटा अगर हम देखेंगे प्लस की, इन सब के अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स लाइक पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, स्टडी बूस्टर सेशन, दिस ऑल यू विल गेट ऑन द आइकॉनिक। ठीक है, तो आपको आइकॉनिक पर मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम द प्लस। एज बच्चों, इंडिया टॉप मोस्ट हां, प्लस पर अगर हम देखेंगे 1 मंथ टू 24 मंथ डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल, सो यूज दिस कोड एंड गेट द 10% डिस्काउंट। चूंकि प्लस का अगर हम देखेंगे तो न्यू फीस इफेक्टिव हो गया है, तो उसको मैं बताता हूं। ऑन द आइकॉनिक 12 मंथ एंड 24 मंथ टू प्लान्स अवेलेबल, हियर आल्सो यूज दिस कोड एंड गेट द 10% डिस्काउंट। और आफ्टर 10% डिस्काउंट आपको अमाउंट पे करना होगा जो कि आप नो कॉस्ट ईएमआई में भी पे कर सकते हैं बच्चों। एज वेल बच्चों, प्लस पर अगर हम देखें आफ्टर द न्यू प्राइस हाइक, ये अमाउंट से यहाँ पर इफेक्टिव हो गया है। ठीक है, 21 जुलाई ऑनवर्ड। तो एज वेल बच्चों, अगर हम यहाँ पर देखें तो बैच बी स्टार्ट हो रहा है, सॉरी यस मैं इंक्लूड नहीं करवा, बैच बी एंड एफ जी। ठीक है, दिस इज स्टार्टिंग बाय द मारुति तिवारी सर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। एंड अगर हम देखेंगे यहाँ पर बच्चों स्टार्ट हो रहा है थ्योरी ऑफ मशीन बाय द आदित्य गुप्ता सर, 28 जुलाई ऑनवर्ड। सो सब्सक्राइब राइट नाउ एंड इनरोल इन दिस बैच, आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं बच्चों जस्ट नाउ। एंड दीज आर द ऑफर अलर्ट दैट इज वैलिड अप टू द 28 जुलाई, सो इनरोल इन दिस। एंड अनअकैडमी कॉम्बैट, दिस इज द इंडियाज लार्जेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्टेड ऑन एवरी संडे। सो यह 20 क्वेश्चन 10-60 मिनट आपको सॉल्व करने होते हैं बच्चों। सो एनरोल इन दिस एंड टुमारो ऑनवर्ड, टुडे यस, दिस इज 25 जुलाई, 11 AM एनरोल इन दिस। और अभी बेटा अभी भी आप इस समय एनरोल कर सकते हैं यूजिंग दिस कोड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टॉप 3 रैंकर को मिलता है बच्चों 100% स्कॉलरशिप एंड 4 to 10 रैंकर को 75 और 25 सॉरी 50%, 11 to 50 रैंकर एंड 50% 25% 151 to 100 रैंकर। एंड अगर हम देखेंगे बच्चों बक्स वॉन्टी, सो दिस इज द इफ यू गेट द एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो देन यू कैन रिपोर्ट टू द अनअकैडमी।
अच्छा बच्चों, डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं बच्चे कि कल हमने एक पार्ट कवर किया था, मतलब कुछ क्वेश्चंस इसके कवर किए थे। मैं चाहता हूं कि बेटा उन क्वेश्चंस का एक क्विक रिवीजन कर लिया जाए। एक क्विक रिवीजन 10 10 मिनट लगेगी। सो दैट कि एक्चुअली क्या था कि ड्यू टू द टेक्निकल इशू कल हम बहुत प्रॉपरली उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एंड आई वॉन्ट टू जस्ट एक्सप्लेन दैट ऑल। तो बच्चों उसके लिए अगर हम देखेंगे तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चे? ओके बच्चों, चलिए फटाफट 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 होता जाएगा, फटाफट फटाफट होता जाएगा, ठीक है बच्चों? हाँ, व्हाट डू द फाइव रिंग्स इन द ओलंपिक सिंबल रिप्रेजेंट? जल्दी फटाफट आंसर करेंगे बच्चों। जिन बच्चों ने देखा था वीडियो, नहीं देखा था वो भी यहां पर देख लेंगे। क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, जल्दी से फटाफट? ओलंपिक में जो फाइव रिंग्स बनी रहती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती है बच्चों? ओलंपिक में जो फाइव रिंग्स हैं दैट रिप्रेजेंट द फाइव कंटिनेंट्स, ठीक है? पांच महाद्वीप, पांच महाद्वीपों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? वेरी गुड, फाइव कंटिनेंट्स। यस बच्चों, कौन कौन सा? एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, ठीक है? अफ्रीका, ये चार पांच महाद्वीप। ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन द एंशियंट ग्रीस इन द आवर ऑफ द ग्रीक सॉरी ग्रीक गॉड, किनके उसमें मनाया जाता था बच्चों? जीसस। यस बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। यस यस, ऑन द ऑनर ऑफ द ग्रीक गॉड जीसस। यस बच्चों, वेरी गुड। पहले क्या था कि मतलब ऐसा रहता था ना कि अपने भगवान के मतलब एक फेस्टिवल टाइप मनाया जाता, तो उसमें क्या है ओलंपिक गेम्स कंडक्ट किए जाते थे, ओलंपिक गेम्स कंडक्ट किए जाते थे। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, इतने बच्चे यहाँ पर ऑनलाइन है बच्चों, मुझे सभी बच्चों से आंसर चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप सीखते चलेंगे, और अगर आता है तो आंसर करिए फटाफट, क्योंकि मैं कल एक पार्ट पढ़ा चुका हूँ, कल एक क्वेश्चन में करवा चुका था, जस्ट रिवीजन, जस्ट रिवीजन। ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर बेटा कब कब ओलंपिक गेम्स नहीं हुए हैं? ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर कब कब ओलंपिक गेम्स नहीं हुए हैं बच्चों? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। यस, 1916, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1916 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड 1914 सेकंड वर्ल्ड वॉर। और थर्ड वर्ल्ड वॉर कब हो रहा है बच्चों? कभी नहीं, अब कभी नहीं होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर, कभी नहीं होगा। यस, सो बी इज द करेक्ट आंसर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैव द ओलंपिक गेम्स नॉट बीन हेल्ड ट्वाइस? किन सिटी पर बेटा ओलंपिक गेम्स दूसरा दोबारा नहीं हुए हैं? किस सिटी में? बताया था कल, यस, अटलांटा। अटलांटा में एक ही बार ओलंपिक गेम्स हुए हैं, जो कि 1996 में हुए थे, 1996, ठीक है, अटलांटा यूएस। अटलांटा यूएस में अगर हम देखेंगे 1996 में एक ही बार ओलंपिक्स गेम हुए थे, जो कि यूएसए में, ठीक है बच्चों? लंदन में हो चुके, पेरिस में हो चुके, एंथेस में हो चुके हैं। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड? वेरी गुड बच्चे, कौशिक, यस। डियर स्टूडेंट्स, लाइक दिस वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड? कहां पर है बच्चों? यस, दिस इज इन द स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड, यस, दिस इज इन द स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर अवेलेबल उपस्थित है बच्चों। इन विच ईयर वर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड? कब होते बच्चों? देखो बेटा, अगर हम देखें तो पहले ओलंपिक गेम्स काफी टाइम टाइम से होते हुए आ रहे थे, लेकिन बेटा अगर हम देखेंगे तो ओलंपिक गेम्स को एक नए तरीके से उन्होंने क्या किया था, कन्वर्ट किया था, नए तरीके से कन्वर्ट किया था। अब ऐसा मनीष सिसोदिया जी ने बोला है, ऐसा मनीष सिसोदिया जी ने बोला है कि हम उसके लिए एक कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स 1896 में हुआ था बच्चों, यस। ऐसा मनीष सिसोदिया जी ने बोला है कि हम चाहते हैं कि 2048 का मतलब जब हमारा 100 ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट, 100 ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस हम कंप्लीट करें, तो हम वहां पर ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट कर सके, ऐसा कुछ उनका प्लान है। ओलंपिक गेम्स 2012 वर हेल्ड इन द लंदन, इन विच ईयर हैव द ओलंपिक गेम्स बीन हेल्ड इन द लंदन? और कब कब हुए बच्चों 2012 के अलावा?
2012 के अलावा और कब कब हुई है? वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड ऋषभ, यस बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड। 1998 में बेटा, 98 एंड 48, 98 और 48 में हुए थे बच्चे। एट विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स वॉज द ओलंपिक फ्लैग फ्लोन फॉर द फर्स्ट टाइम? ओलंपिक फ्लैग कब इंट्रोड्यूस किया गया बच्चों? ओलंपिक फ्लैग, हाँ ऋषभ, यस डियर, एक्चुअली कल हुआ था, बिल्कुल कल हो चुका था ऋषभ, लेकिन बेटा क्या था, ड्यू टू टेक्निकल इशू हम थोड़ा सा मतलब वो चल रहा था ना, बच्चे परेशान काफी हुए थे, ठीक है, तो कई बच्चों ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया होगा, तो आई जस्ट वॉन्ट कि एक बार उसको रिवाइज कर लिया जाए क्विक वे में, इन अ वेरी क्विक वे, इन अ वेरी क्विक वे, सो दैट कि आप लोगों को बेटा क्या है कि कल वाला पार्ट एक बार फिर से रिवाइज हो जाना चाहिए, ओनली फॉर दैट पर्पज मैं इसको बेटा फिर से करवा रहा हूँ। ओनली फॉर 10 और 15 मिनट, 10 और 15 मिनट में बेटा इसको हम कवर कर लेंगे पूरा, और इसको जो जैसे कि जो कल क्वेश्चन हुए थे ना वो रिवाइज हो जाएंगे हमारे। इज दैट ओके बच्चे? यस। फ्लैग बेटा ओलंपिक फ्लैग हमारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ओलंपिक फ्लैग फ्लोन फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज द 1920 एंड 1, ठीक है। हु इज द फादर, हु इज द हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक? मॉडर्न ओलंपिक के फादर कौन है बच्चों? बताइए जल्दी से, मैंने कल बताया था बच्चों, यस पेरी डी कोबर्टिन, पेरी डी कोबर्टिन, इन्होंने क्या किया था ओलंपिक्स को नए तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, ऑर्गेनाइज किया था 1896 में, जिसमें 13 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, एंड इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। 1896 ओनली इन दैट ओलंपिक गेम्स इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया बच्चों, ओनली इन दिस ओलंपिक गेम इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उसके बाद जितने भी ओलंपिक गेम्स हुए सभी में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। अब आया बेटा ओलंपिक फ्लेम इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, अभी आपका था क्या ओलंपिक फ्लैग, अब ओलंपिक फ्लेम कब इंट्रोड्यूस किया गया बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड, 1928 एमस्टरडम, एमस्टरडम, वेरी गुड बच्चे। इसी ओलंपिक में, इसी ओलंपिक में इंडिया ने बेटा, इंडिया ने क्या किया हॉकी टीम को, हॉकी टीम को इसमें बेटा क्या किया इंट्रोड्यूस किया, हॉकी टीम को इंट्रोड्यूस किया, हॉकी टीम ने फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट किया और इसमें गोल्ड मेडल जीत करके लाए, और यहां पर इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता, एमस्टरडम, वेरी गुड बच्चे, यस 1928 में ओलंपिक फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया, फ्लेम को। विच लैंग्वेज अदर देन द इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? बच्चों यस बच्चों दिस इज द फ्रेंच, फ्रेंच अगर हम देखेंगे, इंग्लिश के अलावा अगर हम देखेंगे फ्रेंच इज ऑल्सो द ऑफिशियल लैंग्वेज। विच सिटी इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बी अवॉर्डेड विद द बोथ समर एंड द विंटर ओलंपिक्स? कौन सी सिटी को बेटा समर और विंटर दोनों ओलंपिक होस्ट करने को मौका मिला है? यस दिस इज द बीजिंग, बीजिंग ने बेटा समर ओलंपिक कंडक्ट किए थे इन 2008 एंड विंटर ओलंपिक कंडक्ट करेगा इन 2022। यस बच्चों बीजिंग, बीजिंग अगर हम देखेंगे बीजिंग चाइना 2008 और 2020, ठीक है। समर और विंटर पे इंपोर्टेंस बेटा समर ओलंपिक का ज्यादा है, समर ओलंपिक का ज्यादा इंपोर्टेंस, यस जो अभी चल रहा है ना वो समर ओलंपिक है बच्चों, अभी जो चल रहा है ना वो समर ओलंपिक है, समर ओलंपिक 2020। कौन है बच्चों लोन विनर ऑफ द गोल्ड मेडल, फर्स्ट गोल्ड मेडल बेटा हम इंडिया की तरफ से किसने जीता था? वेरी गुड अभिनव बिंद्रा, यस अभिनव बिंद्रा, यस अभिनव बिंद्रा जी ने शूटिंग में, शूटिंग में,
नहीं बेटा देखो मैं क्या बता रहा हूँ तन्मय, जो लीप ईयर में हो रहा है ना बच्चे, जो लीप ईयर में हो रहा है ना, वो समर ओलंपिक है, वो समर ओलंपिक है, समर ओलंपिक ठीक है, जो कि 2012 में हुए थे ठीक है, 2016 में हुए थे ठीक है, उसके बाद 2020 में होने थे टोक्यो में, लेकिन 21 में हो रहा है, और नेक्स्ट 2024 में होने, 2028 में होने, 2032 में होने, सो दीज आर द समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक्स आर अदर, विंटर ओलंपिक्स आर डिफरेंट। जितेश बेटा 1948 के टाइम तक क्या ध्यानचंद जी खेल रहे थे बेटा हॉकी? ध्यानचंद जी हॉकी खेल रहे थे क्या? डेट द ध्यानचंद कैप्टन द गोल्ड मेडल विनिंग इंडियन हॉकी टीम, बताइए जरा, ये बताइएगा क्या इस टाइम तक ध्यानचंद जी हॉकी खेल रहे थे बेटा? जितेश, जब इंडिया आजाद हो गया था तब तक हॉकी खेल रहे थे वो? नहीं, बेटा फर्स्ट जो 1928 में था ना, 1928 में था, तो एमस्टरडम में, उसमें इन्होंने नहीं किया था, उन्होंने यहाँ पे किया था, जयपाल, जयपाल सिंह वॉज द कैप्टन, जयपाल सिंह वॉज द कैप्टन इन द 1928। ध्यानचंद ने बेटा, ध्यानचंद जी ने किया था जो, वो किया था बर्लिन 1936, 1936 में उन्होंने एज अ कैप्टन इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया था, एज अ कैप्टन इंडिया गोल्ड मेडल जिताया। बच्चों वीडियो को लाइक करते चलिए यार, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, अगर वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल बनता है ठीक है बच्चों, लाइक जरूर करते चलिएगा यार ठीक है। तो बर्लिन में 1936 में उन्होंने क्या किया था, गोल्ड मेडल जिताया था। Is that clear to all of you? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हिटलर ने बुलाया था खेल देख के, बिल्कुल बच्चे, यस यस यस, सही पकड़े हो बेटा, सही पकड़े हो। बिल्कुल सही पकड़े हो बच्चे। Among the following Indians, who was the first to win an Olympic, sorry, individual medal at the Olympic? केडी जाता, हाँ 22 में बिंटर है, यस बच्चे, वो गलत लिख लिया था, दिस इज द केडी जाता, केडी जाता इन्होंने 1952 में एथलेटिक, ठीक है, एथलेटिक्स में इन्होंने जीता था। नोट्स में क्यों लिख रहा है बेटा? मैंने बोला तो था कि मैं इसका बहुत शेयर कर दूंगा ना, मैंने बोला तो आप लोगों को मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा आज, आज मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा बच्चों ठीक है। नहीं, बच्चे नहीं, कैसी बात कर, दिस इज द जिम हिंस, जिम हिंस ने उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम 100 मीटर इवेंट विद इन 10 सेकंड कंप्लीट किया था, यस जिम हिंस। यस माइकल फ्लैप्स, वेरी गुड बच्चे, माइकल फ्लैप्स, यस सब जानते हैं भैया, यस हाँ, उसेन बोल्ट का 9.52 का है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, यस
Which of the following Olympic gold medal of the pure boulder world was our last awarded? लास्ट टाइम बेटा प्योर गोल्ड के मेडल कब दिए गए थे? नहीं बच्चे, दिस वॉज द लास्ट टाइम इन द 1912 में दिए गए थे बच्चे, 1912 में। अब इसके बाद बेटा अगर हम देखेंगे तो 92.5% उसमें सिल्वर होता है, 92.5% इसमें सिल्वर होता है, और 6 ग्राम के आसपास उसमें अगर हम देखेंगे तो गोल्ड होता है, 6 ग्राम के आसपास गोल्ड होता है। अब जो मेडल बने होते हैं, बच्चों हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले था, यस बच्चे, It was the before the First World War. 31st Olympic Games were held in. 31st Olympic Games कब हुए थे बच्चों? कहाँ पर हुए थे और? Where and when? कब और कहाँ? तन्मय बेटा आज बॉयस वीडियो वगैरह ना सब क्लियर चल रहा है ना? Yes, Rio de Janeiro, Brazil in the 2016. 31st Olympic. यस ऑब्वियसली अगर वो 31st थे तो ये क्या होंगे 32nd होंगे, यस ऑब्वियसली। वेयर वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड, वेयर वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड, फर्स्ट ओलंपिक गेम कहां पर हुए थे बच्चों बताइए जरा। ऋषभ बेटा यस एंथेस, एथेंस यस एथेंस, एथेंस ग्रीस, ग्रीस में हुए थे, एथेंस ग्रीस, यस बच्चे। यस वॉइस वगैरह तो क्लियर चल रही है ना बच्चों आज, कोई इशू नहीं आया अभी तक शायद। यस इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेटेड, इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स, ठीक है, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स में इंडिया ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट ओलंपिक गेम। यार कोशिश कल पूरे टाइम से यही लगा हूं इसी पर, फाइनली कर लिया मैंने। इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था 1900 में बेटा, पहली बार पार्टिसिपेट किया था, वन पार्टिसिपेंट किया था इसमें, वन पार्टिसिपेंट किया था, ठीक है, वन पार्टिसिपेंट किया था, और उसने भी क्या किया था, सिल्वर मेडल जीता था, टू सिल्वर मेडल जीते थे बच्चे, वन पार्टिसिपेंट था, क्या नाम था उसका भी आ जाएगा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वन पार्टिसिपेंट था 1900 में, जबकि ब्रिटिश इंडिया के नाम से गया था, ठीक है, तो उसमें दो सिल्वर मेडल एथलेटिक्स में, ठीक है। ये तो छोड़ो, ये तो क्वेश्चन गलत हो गया था, यस ये बताइए जरा। इन द 1980 मॉस्को ओलंपिक्स वन कंट्री बायकॉटेड द गेम्स विद द ऑर्डर ऑफ इट्स प्रेसिडेंट, विच वाज दैट कंट्री? यस यूएसए, यस बच्चे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इट वॉज द यूएसए, इट वॉज द यूएसए हु बायकॉट द मॉस्को ओलंपिक गेम्स, मॉस्को ओलंपिक गेम्स का जिन्होंने क्या किया था, बायकॉट किया था, जस्ट बिकॉज की सोवियत संघ वगैरह का उस समय वो चल रहा था, सोवियत यूनियन वगैरह का कुछ वो चल रहा था उस समय, ठीक है। एशिया को बेटा कौन सा कलर रिप्रेजेंट करता है? यस येलो,
एलओ को एशिया रिप्रेजेंट करता है। हाँ यस यस, यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया था। यस बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्ट रीजन, एग्जैक्ट रीजन। यस एशिया को उठाया, एलओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह को ग्रीन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यस ऑस्ट्रेलिया वगैरह को ब्लैक, अफ्रीका, और अगर हम देखेंगे रेड आपका अमेरिका है, और आपका एक और रेड ब्लू, ब्लू आपका यूरोप हो जाता है, ब्लू यूरोप हो जाता है। तो इस प्रकार के कलर मैंने कल बताए थे। Who is the first Indian woman to join the International Olympic Committee? कौन है बच्चों? यस अंबानी मैडम, यस नीता अंबानी इस कमेटी की मेंबर रहेंगी, इस कमेटी की मेंबर रहेंगी इंडियन वुमेन टिल द एज ऑफ द, टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स। जब तक वो 70 साल की नहीं हो जाती हैं तब तक वो इसकी मेंबर रहेंगी, नीता अंबानी। यस बच्चे वेरी गुड। नीता अंबानी सी इज द नीता अंबानी। Who was the first Indian woman to ever win an Olympic medal? Yes, Karnam Malleswari. Yes, बच्चों Karnam Malleswari. Yes, very very good. Yes, obviously Karnam Malleswari. What is the motto of the Olympics? साक्षी मलिक ने अभी जीता था 2016 में, 2016 में जीता था साक्षी मलिक ने। व्हाट इज द मोटो ऑफ द ओलंपिक्स? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सेफर हायर एंड स्ट्रॉन्गर। वेरी गुड बच्चों। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। अभिनव बिंद्रा, यस उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। इंडिया ने फर्स्ट गोल्ड मेडल कब जीता था इन हॉकी? एंड द इंडिया वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द हॉकी। यस दिस इज द 1928 एमस्टरडम, ठीक है एमस्टरडम। और देखिए बेटा 1928 से लेकर के 1960 तक, 1928 से लेकर के बच्चों सुनिए ध्यान से, 1928 से लेकर के 1960 तक इंडिया ने एक भी मैच नहीं हारा था ओलंपिक्स में। 1928 से लेकर के 1960 तक इंडिया ने एक भी मैच नहीं हारा था ओलंपिक्स में। लगातार 6 मेडल उन्होंने जीते थे, 6 गोल्ड मेडल, ठीक है गोल्ड मेडल। देखिए 1928, 32, 36, 1948 और 1948 के बाद 1952 और 1956, ये 6 गोल्ड मेडल लगातार जीते थे, ठीक है। 1960 में पहली बार इंडिया ने यहां पर हार का स्वाद चखा था इन द ओलंपिक। लगातार इतने टाइम तक इंडिया ने ओलंपिक में मतलब विनिंग ट्रैक को मेंटेन रखा था। Which country has hosted the most Olympics? Yes, USA ने बेटा 1904 में किया था, और एक 1984 में किया था, एक 1996 में किया था, एक और किया था इन बिटवीन, एक और किया था इन बिटवीन, मुझे याद नहीं है बच्चों। 4 बार कर चुका है USA, 4 times समर ओलंपिक्स का, समर ओलंपिक्स का बच्चों, समर ओलंपिक्स का यूनाइटेड स्टेट 4 times कर चुका है बच्चों।
94 में किया था, 1984 में, 1996 में, और अभी आगे आने वाले टाइम में अगर हम देखेंगे तो एक और की करेगा, अभी बताऊंगा डेट, ईयर 2016 में कितने मेडल जीते थे इंडिया ने बच्चों, 2016 में कितने मेडल जीते थे इंडिया ने बच्चों, ओनली टू, ओनली टू, एक साक्षी मलिक ने दिलाया था, साक्षी मलिक ने दिलाया था, ठीक है, साक्षी मलिक ना, एक पीवी सिंधु, एक पीवी सिंधु, दो मेडल केवल दो जीते थे बच्चों, केवल दो, ओनली टू मेडल्स, ओनली टू मेडल्स बच्चे, ओनली टू मेडल्स, इंडिया वॉन द ओनली टू मेडल्स, ठीक है, केवल दो मेडल जीते थे बच्चों। वॉट इज द मोटो ऑफ द ओलंपिक्स 2021? मोटो ऑफ द ओलंपिक्स 2021 डिस्कवर टुमारो, मोटो ऑफ द ओलंपिक 2021 का है डिस्कवर टुमारो, ठीक है, डिस्कवर टुमारो, यस डिस्कवर टुमारो। व्हाट इज द मॉस्कॉट फॉर द टोक्यो 2020 ओलंपिक्स, नहीं डुएन बिन नहीं है बेटा, डुएन बिन नहीं है जितेश, इट इज नॉट डुएन बिन। ऋषभ आप भी गलत कर रहे हैं बेटा, कल पढ़ाया था मैंने, कल ही पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया था, दिस वाज द डिस्कवर टुमारो, डिस्कवर टुमारो। व्हाट इज द मास्कॉट फॉर द टोक्यो 2020 ओलंपिक्स, यस मैरिटोवा, मैरिटोवा, यस मैरिटोवा, यस बच्चे, ए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। विच एथलीट इज द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन ऑफ द ऑल टाइम्स, माइकल फ्लैप्स, माइकल फ्लैप्स ने बेटा अगर हम देखेंगे 28 मेडल, गोल्ड मेडल जीते, जिसमें 23 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 3 शायद उसमें ब्रॉन्ज है। ठीक बेटा, एक ये क्या है, ये मेत्रोवा है, दिस इज द मॉस्को, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है, अगर हम देखेंगे जो जापानी लैंग्वेज है ना, जापानी लैंग्वेज में कहने का इसको रिप्रेजेंट करता है डिस्कवर टुमारो, फ्यूचर्स वगैरह को रिलेटेड से, फ्यूचर वगैरह जापानीज वर्ड है बच्चों, जापानीज वर्ड है, मॉस्कोड रहता है ना, टोक्यो डिफरेंट जो गेम्स वगैरह होते हैं तो उसमें इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लाइक दिस वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हु वाज द इंडियन फ्लैग बियरर ऑन द ओपनिंग सेरेमनी इन द रियो डी जेनेरो 2016, तो यहाँ पर बेटा ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बियरर थे, ही वाज द अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, एंड इन द क्लोजिंग सेरेमनी, एंड इन द क्लोजिंग सेरेमनी वॉज द साक्षी मलिक, ठीक है। मतलब देखो, ओपनिंग सेरेमनी होती है और क्लोजिंग भी होती है, ठीक है। हाँ, क्लोजिंग में साक्षी मिलेगी, यस बच्चे। हु वाज द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम इन द 1948 ओलंपिक, 1948 ओलंपिक में कौन था बच्चों कैप्टन, यस डियर ध्यानचंद जी नहीं थे बेटा, ध्यान विग्नेश ध्यानचंद जी नहीं थे, ध्यानचंद जी नहीं थे, ही वॉज द किशन लाल, ही वॉज द किशन लाल, ही वॉज द किशन लाल। ध्यानचंद जी तो 1936 तक थे बच्चों, किशन लाल। ये केडी सिंह नहीं, एच किशन लाल थे यार, कहाँ केडी सिंह को बना दिया जबरदस्ती। विंटर ओलंपिक 2018 कहां पर हुए थे बच्चों,
साउथ कोरिया. यस, साउथ कोरिया. हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थॉमस वॉश. यस बच्चों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, थॉमस वॉश. करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक कमेटी कौन है बच्चों? यस, नारायण रामचंद्रन. वेरी गुड बच्चे, नारायण रामचंद्रन. वेरी गुड बच्चे. यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे. हु इज द मोस्ट सक्सेसफुल मेंस हॉकी टीम एट द ओलंपिक्स? नहीं बेटा, नारायण रामचंद्रन है, नारायण रामचंद्रन. ओबियसली क्यों, कौन होगा, ओबियसली कौन होगा भाई? हॉकी की बात आ जाएगी तो कौन आ जाएगा, इंडिया. हॉकी की अगर बात आ जाएगी तो कौन रहेगा टॉप पर, वो अलग बात है कि अभी मामला गड़बड़ चल रहा है थोड़ा. ठीक है, इंडिया, इंडिया ने अगर हम देखें तो बेटा 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल यहां पर जीते थे. ठीक है, जीत चुकी है इंडिया. ठीक है. अरे यार, आगे क्वेश्चन यही था, मुझे क्या पता, ये तो मैंने बता ही दिया, अभी 8 था, अभी बता ही दिया बच्चों. ठीक है, लास्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल वॉन इंडियन हॉकी टीम एट लास्ट ओलंपिक. मैं बेटा, गोल्ड मेडल कब मिला था इंडियन हॉकी टीम को? दिस इज द 1980 मॉस्को ओलंपिक. 1980 मॉस्को ओलंपिक, जिसमें यूएसए ने वाइकआउट किया था, जिसमें यूएसए ने वाइकआउट किया था बच्चों, वही है मॉस्को ओलंपिक. ठीक है, यहां पर इंडिया, इंडियन हॉकी टीम ने लास्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता था. इसके बाद इंडिया के पास कोई गोल्ड मेडल नहीं आया है हॉकी का. दो हजार बारह में तक कितने मेडल जीते थे इंडिया ने? दो क्या बेटा ऋषभ? दो हजार बारह में 4 जीते थे या 6 जीते थे बच्चों? इट वॉज अराउंड 6, 6 थे बच्चों, 6 थे, 6 थे. अच्छा, इस बार आवश्यकता है गोल्ड की, आवश्यकता तो हर बार रहती है बच्चों, आवश्यकता तो हर बार रहती है बेटा. 2012 में इंडिया ने शायद 6 मेडल जीते थे, 6 मेडल जीते थे. देखो, सुशील कुमार ने जीता था, सुशील कुमार ने जीता था, मैरी कॉम ने जीता था. ठीक है, और यार ये तो याद है मुझे, शायद 6 है बच्चों, एक बार सर्च कर लीजिएगा जरा. 2012 में अगर हम देखेंगे तो 6 मेडल थे बच्चों शायद, देखिए एक बार चेक कर लीजिएगा. छह जीते थे बच्चों. यस, 6 जीते थे, 2 सिल्वर थे, 4 ब्रॉन्ज थे. ठीक होल्ड द नेशनल रिकॉर्ड इन द 100 मीटर स्प्रिंट रनिंग 10.3 सेकंड? हाँ, साइना नेहवाल ने जीता था बच्चों. यस,
सायना नेहवाल ने जीता था और ठीक है, दिस इज द अनिल कुमार प्रकाश, अनिल कुमार प्रकाश, अनिल कुमार प्रकाश, अनिल कुमार प्रकाश के पास बेटा ये रिकॉर्ड है। राजीव गांधी खेल रत्न पहला किसको मिला था बच्चों? पहला राजीव गांधी खेल रत्न किसको मिला था बच्चों? नहीं पता। विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद 1992 में, शायद 1992, 1992 से शायद स्टार्ट हुआ था ये, मतलब जब से स्टार्ट हुआ था तो पहला इन्हीं को मिला था। नहीं बेटा मिल्खा जी को नहीं मिला, मिल्खा जी को नहीं मिला। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स इन 55 kg वुमेन रेस्टलिंग? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। किसको मिला था बेटा? अभी मूवी आई थी ना एक दंगल, दंगल करके मूवी आई थी ना, किसने जीता था उसमें? क्या हुआ बच्चों, कोई बच्चे को नहीं पता यार, ये कैसे हो सकता है भाई? 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था ना इंडिया में, इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंडिया, उसमें बेटा किसने जीता 55 kg वुमेन में? गीता फोगाट। अबे दंगल मूवी नहीं आई थी यार, दंगल भूल गए हो? गीता, गीता ने, गीता यस फोगाट, यस बच्चे। हु इज द ओनली एंड द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू कंप्लीट कॉम्पिटिशन सिक्स ओलंपिक गेम्स? याद है ना, बिल्कुल होना चाहिए बच्चों, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इतना स्लो क्यों चल रहा है बच्चों, बहुत लेट आंसर आ रहे हैं आप लोगों के यार। कौन कौन खेला बच्चों सिक्स ओलंपिक? लियंडर पेस, वेरी गुड बच्चों, यस लियंडर पेस। नहीं, इट इज अ लियंडर पेस, टेनिस खिलाड़ी ना बच्चों, टेनिस खिलाड़ी। लियंडर पेस हैज प्लेड द सिक्स ओलंपिक। अगेंस्ट विच कंट्री इंडिया प्लेड द फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल फुटबॉल मैच इन द 1948 ओलंपिक, लंदन ओलंपिक्स? अगेंस्ट विच कंट्री इंडिया प्लेड द फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल फुटबॉल मैच इन द 1948 ओलंपिक गेम्स? दिस वॉज द फ्रांस। फुटबॉल की बात हो रही बच्चों, फुटबॉल की बात हो रही, ठीक है? दिस फुटबॉल मैच की बात, फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल मैच अगर हम देखेंगे 1948 में, फ्रांस। अगेंस्ट हु इज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन टू स्कोर अ हैट्रिक इन द ओलंपिक फुटबॉल मैच? संगम, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, संगम वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज फॉर द पीएसयू एस्पायरेंट बच्चे, संगम दिस इज फॉर द पीएसयू एस्पायरेंट। 2000 प्रिपेयरिंग फॉर द पीएसयू एग्जाम, रिसेंटली बेटा एचएएल ने, एचएएल का नोटिफिकेशन आ गया ना, एचएएल का एग्जाम, एचएएल एग्जाम नोटिफिकेशन आ चुका है ना, एचएएल इज गोइंग टू कंडक्ट द एग्जाम 12th एंड 13th ऑफ अगस्त। दिस इज द, नहीं
नेवेली डिसूजा जी ने किया था बच्चों, डिसूजा। अच्छा, डिसूजा जी ने किया था बच्चों, डिसूजा जी ने किया था। गौरव बाबू सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है ना बच्चे 10 बजे, संगम वीकेंड पर। नोट्स वगैरह बन चुके हैं ना, नोट्स वगैरह बन चुके हैं तो बढ़िया प्रोडक्शन की क्लास अटेंड कीजिएगा। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन द ओलंपिक, ये तो हम कर चुके हैं ना, ये तो हम कर चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया। हु वॉज द फ्लैग बेरियर ऑफ द इंडियन टीम इन द 2012 समर ओलंपिक। हाँ, वो तो हम कर चुके थे बच्चे। हु वॉज द फ्लैग बेरियर ऑफ द इंडियन टीम इन द 2012 समर ओलंपिक। ओके बेटा, ओके, कर लीजिएगा कर लीजिएगा। सुशील कुमार थे बेटा ओपनिंग सेरेमनी में, ओपनिंग में, और मैरी कॉम थी इन द क्लोजिंग सेरेमनी। फ्लैग वेरियर अगर हम देखेंगे इन द ओपनिंग सुशील कुमार, एंड क्लोजिंग में अगर हम देखेंगे तो मैरी कॉम। नहीं बच्चा, बिंद्रा जी नहीं थी इसमें, इसमें बिंद्रा जी नहीं थी। सुशील कुमार थे ओपनिंग में, मैरी कॉम थी क्लोजिंग सेरेमनी में। Who was the first flag bearer of the Indian team in the Olympic Games? First Olympic Games में जब बेटा अगर हम देखेंगे, who was the flag bearer of the Indian team? नहीं बच्चों, ध्यानचंद जी नहीं थे, ध्यानचंद जी नहीं थे बच्चों, ध्यानचंद जी नहीं थे। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। This is the पूर्मा बैनर्जी, This is the पूर्मा बैनर्जी। नहीं, पूर्मा बैनर्जी, पूर्मा बैनर्जी वॉज द फर्स्ट फ्लैग बेरियर ऑफ द इंडियन टीम इन द ओलंपिक गेम्स। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट गोल्स बाय एन इंडिविजुअल इन एन ओलंपिक हॉकी फाइनल। नहीं बच्चों, नहीं, बलबीर सिंह, ही वॉज द बलबीर सिंह। ठीक है, हु होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट गोल बाय द इंडिविजुअल इन ओलंपिक हॉकी फाइनल। बलबीर सिंह थे बच्चों, बलबीर सिंह। यस, दिस इज द जयपाल सिंह। यस बच्चों, दिस वॉज द जयपाल सिंह। उसके लिए बेटा एक्टिव ही होना पड़ेगा शायद, उसके लिए एक्टिव ही होना पड़ेगा आपको। यू नीड टू चेक द डेली न्यूज, ठीक है, डेली न्यूज ऐप वगैरह आजकल बहुत हैं, ठीक है, ऐप वगैरह बहुत सारे हैं। अदरवाइज न्यूज पेपर आप प्रेफर कर सकते हैं फॉर 10 to 15 मिनट्स, द हिंदू है, ठीक है,
टाइम्स ऑफ इंडिया है, मतलब नेशनल लेवल का कवर करना, नॉट द स्टेट लेवल, ठीक है, इस प्रकार का उसमें वो रह सकता है कनेक्टेड। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द इंडियन हॉकी विजार्ड ध्यानचंद? ध्यानचंद जी ने बेटा जो हॉकी मतलब नहीं, अपनी जो बायोग्राफी लिखी ना ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम क्या है बच्चों? व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द इंडियन हॉकी विजार्ड ध्यानचंद? क्या है बच्चों नाम, क्या है बच्चों नाम? गोल, गोल, गोल बच्चों इसका नाम है। ऑटोबायोग्राफी जो इंडियन हॉकी ध्यानचंद जी ने लिखी है, गोल। ऑटोबायोग्राफी तो बेटा खुद नहीं लिखा होता है, ऑटोबायोग्राफी तो खुद नहीं लिखा होता, बायोग्राफी की और लिखता है। निशिता हुसैन वोल्ट, यस, कितना है? 9.52 सेकेंड। विंटर ओलंपिक वॉज हेल्ड इन द सिटी। बेटा विंटर ओलंपिक वॉज हेल्ड इन द सिटी ऑफ द सोची, सोची में हुआ था बच्चों। विंटर ओलंपिक बेटा कब से स्टार्ट हुए? व्हेन द फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स वाज हेल्ड। ये आंसर आपने कभी ना सोची, तभी तो आंसर हो गया। आंसर सोचना ना वो तो बच्चों फर्स्ट विंटर ओलंपिक, फर्स्ट विंटर ओलंपिक इन द 1924, फर्स्ट विंटर ओलंपिक हुआ था बच्चों 1924, व्हाइल द समर ओलंपिक इन द 1896। नहीं, दिस वाज़ द 1924, फर्स्ट विंटर ओलंपिक इन द 1924 एंड फर्स्ट समर ओलंपिक इन द 1896। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज़ फॉर्म इन द ईयर। क्या हुआ था बच्चों? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वॉज फॉर्म इन द ईयर ऑफ द 1927। क्या हुआ बच्चों, आंसर आ नहीं रहे हैं क्या? क्या आप लोग आंसर कर नहीं रहे हैं? हाँ क्यों बच्चों? 1927, यस। एमसी मैरीकॉम बिलोंग्स टू विच स्टेट?
एमसी मैरी कॉम किस स्टेट से बिलोंग करती है बच्चों, बताइए जरा। यस मणिपुर से। कल बच्चों जो ओलंपिक में एक और सिल्वर मेडल जीता है ना, वो मणिपुर से थी, मीराबाई चेनू, मणिपुर से सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है वेट लिफ्टिंग में, सिल्वर मेडल जीता है। वो भी कहां से है, कल सिल्वर मेडल जीता है ना, मीराबाई चेनू, सी इज ऑल्सो फ्रॉम द मणिपुर। मिल्खा सिंह जी ने बेटा गोल्ड मेडल जीता था इन द कॉमनवेल्थ गेम्स इन द ईयर, किस साल में, किस ईयर में उन्होंने जीता था बच्चों। गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स इन द ईयर, किस ईयर में जीता था बच्चों। मूवी देखी कि नहीं, भाग मिल्खा भाग, दिस इज द 1958, 1958 नहीं 68 में, नहीं 1958 में था, दिस वाज द 1958। फ्रॉम विच ओलंपिक इवेंट द ओलंपिक टॉर्च रिले प्रोसेस वॉज स्टार्टेड, नाइनटीन थर्टी सिक्स बर्लिन, 1936 बर्लिन, बर्लिन से स्टार्ट हुआ था बच्चों, दिस वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द 1936 बर्लिन, नहीं बच्चे 1908 लंदन से नहीं। हाँ बच्चों अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब 2024 का ओलंपिक कहाँ होने वाला है, 2028 का कहाँ होने वाला है, 2032 का कहाँ होने वाला है, इस तरह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत, अभी आप देखिएगा आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे इनमें ये आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। 2024 समर ओलंपिक कहां पर होगा, यस इन पेरिस, वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल 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 सही कहा आप लोगों ने, बिल्कुल सही कहा बच्चों आप लोगों ने कि 2024 के जो ओलंपिक्स हैं दैट आर शेड्यूल्ड इन द पेरिस, जो मुझे देखने जाना है, ठीक है, जो मुझे देखने जाना है पेरिस में, ठीक है, 2024 में पेरिस भी घूम आऊंगा और ओलंपिक गेम्स भी देख करके आऊंगा। एंड 2028 के बच्चों, दो हजार अट्ठाईस के कहां पर है बच्चों, याद रखना पड़ेगा बच्चों, याद रखना पड़ेंगे, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, ओलंपिक का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ओलंपिक्स के सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि कब बेटा और कहां पर होने वाला है, ठीक है। हाँ 2024 में तो मुझे भी जाना, चलो तो फिर पेरिस में ही मिलेंगे बच्चे, ऋषभ केसरी फिर पेरिस में ही मिलेंगे। 2028 के बेटा ओलंपिक्स हैं दैट आर शेड्यूल्ड ऑन द लॉस एंजलस, लॉस एंजलस, लॉस एंजलस में है बच्चों, इन द यूएसए, लॉस एंजलस में है, ठीक है, इन यूएसए। और 2032 के बच्चों, और 2032 के कहां पर शेड्यूल है, दो हजार बत्तीस के हैं ब्रिस्बेन, यस बच्चे ब्रिस्बेन,
ऑस्ट्रेलिया, यस बच्चों। तो बेटा आपको अब यहां पर ध्यान रहना चाहिए कि 24 अगर हम देखेंगे तो पेरिस, 28 लॉस एंजेलिस, और 2032 अगर हम देखेंगे तो ब्रिस्बेन। ठीक है, ये ध्यान रखिए बच्चों, तीनों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को आज सिखा दी है, बहुत काम आने वाली है। जितने भी एग्जाम दोगे आगे आने वाले 4-5 साल में, सब में यही बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लेयर हु है हु वाज अवार्डेड विद द अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल पद्म, खेल रत्न और पद्मश्री। नहीं, इंडिया में कभी नहीं हुआ ओलंपिक, नहीं हुआ बेटे, इंडिया में कभी ओलंपिक नहीं हुआ। सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर को बच्चा द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, सचिन तेंदुलकर को द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है। क्या किया उन्होंने ऐसा कि द्रोणाचार्य अवार्ड मिल गया? टेल मी जरा व्हाट ही डिड सो ही गॉट द द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है बच्चों, बताइए जरा, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है? द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है बच्चों? बोलती बंद। अर्जुन अवार्ड प्लेयर को मिलता है, द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है कोचेस को, कोच वगैरह को। दिस इज द गोपीचंद, शूटिंग के लिए नहीं मिलता यार, बेवकूफ हो गया। द्रोणाचार्य अवार्ड शूटिंग के लिए मिलता है, और एनी स्पॉट मिलता है जो कोच रहते हैं, कोच को मिलता है। अगर कोच ने अच्छी परफॉर्मेंस करवाई है उनका, मतलब कोई भी स्टूडेंट बढ़िया मेडल वगैरह लेकर के आता है तो वहां पर मिलता है। तो ये गोपीचंद को बेटा अगर हम देखेंगे तो उनका जो स्टूडेंट है, लाइक है साइना नेहवाल 2012 में ब्रॉन्ज मेडल, और पीवी सिंधु इन 2016 सिल्वर मेडल लेकर के आई थी कि नहीं, तो उनको बेटा द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड सब मिल चुका है पुलेला गोपीचंद। विच वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल मास्कोट इन द हिस्ट्री ऑफ द ओलंपिक समर गेम्स? कोच को मिलता बच्चों, यस। दिस वॉज द वर्ल्डी फर्स्ट ओलंपिक का जो मास्कोट था बच्चों, दिस वॉज द वर्ल्डी। वेरी गुड, वेरी गुड। बीच स्पोर्ट आइटम वॉज इंक्लूडेड इन 1988 समर ओलंपिक आफ्टर ब्रेक ऑफ द 64 ईयर्स? किसको शामिल किया गया था बच्चों? इट वॉज द टेनिस, इट वॉज द टेनिस। नहीं बच्चे, इट वॉज द टेनिस, टेनिस था बच्चों, टेनिस। शैलेंद्र कुमार लोधी कब माना जाता है?
ये भी नहीं पता। दिस इज ऑन द 29th अगस्त। इट इज ऑन द 29th अगस्त। यस 29th अगस्त को मनाया जाता है। इन द कंटेस्ट ऑफ द इंडियन अवार्ड एंड द ऑनर्स इन स्पोर्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज गिवन एज द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए बच्चों। यस बिल्कुल होना चाहिए बच्चों। In the contest of the Indian award and honors in the sport, which among the following is given as the lifetime achievement award? Lifetime achievement award के रूप में क्या दिया जाता है बच्चों? No, no, this is the Dronacharya award. Dronacharya award is awarded as the lifetime achievement award. ठीक है, Dronacharya award. Yes, Dronacharya award. एक मिनट बच्चों, सॉरी ध्यानचंद अवार्ड, ध्यानचंद, सॉरी दिस इज द ध्यानचंद अवार्ड, सॉरी ध्यानचंद अवार्ड है बच्चों, दिस इज द ध्यानचंद अवार्ड, सॉरी बच्चों। Who had proposed the Olympic motto? This is the Couvertin. Who was the father of the modern Olympic Games? ठीक है, modern Olympic Games के जो father थे Couvertin, he has proposed the Olympic motto. Which of the following is not a commercial sponsor of the Olympic Games? कौन बेटा Olympic Games का commercial sponsor नहीं है? Yes, Apple. Apple is not a commercial sponsor of the Olympic Games. Olympic Games का बेटा commercial sponsor नहीं है। ये तो वो हो चुका है हमारा रिपीटेड क्वेश्चन। As per the record, the first Olympics is traditionally dated on. Yes, per the report, बेटा अगर हम देखेंगे, yes, 776 BC, 776 BC से बेटा अगर हम देखेंगे, Olympics के हम traditionally. पता नहीं comments करते ही नहीं ये लोग। एक दो बच्चे बस करेंगे, दो चार बच्चे और बस, बाकी तो एकदम मस्त होकर के बने रहेंगे क्लास का, कुछ नहीं करते। चलो अच्छा, तो ओलंपिक वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ तक, ओलंपिक वाला पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हुआ 776 बीसी एंड। थैंक यू वेरी मच बच्चों। चलो आज बच्चा हमारा एक क्लास और है, करंट अफेयर, करंट अफेयर्स एज यूजुअल 2:30 PM पर, एज यूजुअल 2:30 PM पर। ठीक बच्चों, हाँ बिल्कुल है बच्चों, यस।
आज हो रहा है, फिर कल से हम टेक्निकल कुछ उसको इंक्लूड कर लेंगे, टेक्निकल के रिवीजन वाले पार्ट में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है बच्चों, टेक्निकल के रिवीजन वाले पार्ट में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच बच्चों, चलिए थैंक यू। ऐप पर बेटा वही रहेगी 8 PM पर, ऐप पर 8 PM पर रहेगी क्लास। थर्मोडायनेमिक्स तो हो गया था हमारा, आज हम बेटा आरएसी कर लेंगे, आज आरएसी कर लेंगे। आरएसी कर लेंगे आज, आज आरएसी करेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं, एंड लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा बच्चों। करेंगे करेंगे चेतन, करेंगे करेंगे बच्चे, एंड यूज दिस कोड फॉर एनी काइंड ऑफ द सब्सक्रिप्शन ऑन द अनअकैडमी लर्निंग अनअकैडमी। सो थैंक यू वेरी मच, चलिए बच्चों बाय बाय, मिलते हैं फिर, बाय बाय बच्चों।